आने के क्रम में वो मुझे बगीचा रेस्टोरेंट में उतार लिया, वो कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, हम FIR किए, उस आवेदन को नहीं लगाया गया। SP सर के आवास पे खड़े हुए हैं लेकिन हमको मिलने नहीं दिया सर। रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मोतिहारी के SP के बॉडीगार्ड पर पीड़िता ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आपको हम बता दें कि लड़का जो है वो औरंगाबाद के रहने वाला है और जो पीड़िता जो है वो रोहतास जिले की रहने वाली है। कुछ दिन पहले जो है ये दोनों परिवारों के बीच जो है शादी तय होती है और लड़का जो है पीड़िता से मिलने के लिए एक मंदिर में बुलाता है। पीड़िता जब मंदिर में मिलने के लिए जब जाती है तो उस लड़के से पहले मिलती है। मिलने के दौरान जब वो घर जा रही थी, इसी दौरान जो है बीच रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिलता है। रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के बहाने लड़का रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। उसके बाद जो है कि पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक मंगाने के दौरान जो है उसमें नशीली पदार्थ डाल दिया जाता है। नशीली पदार्थ डालने के बाद पीड़िता को पहले पिलाया जाता है। पीड़िता जब पीती है तो 3 से 4 घंटे तक बेहोश रहती है। उसके बाद जो है लड़का जो है वो जो एसपी का जो बॉडीगार्ड कहा जाता है वो उसके साथ यौन शोषण करता है। सर मेरे साथ धोखा हुआ है। जो लड़का अभी बिहार पुलिस मोतिहारी SP के बॉडीगार्ड है जिससे मेरी शादी लगी हुई थी, उसके बाद उसने मेरे से बात करने की इच्छा जताई। मेरे माना करने पे भी उसने दबाव बनाकर मेरे से बात किया। बात करते करते उसने एक दिन देखने की इच्छा जताई तो हम ताराचंडी मंदिर में गए थे। उसके आने के क्रम में वो मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो पता नहीं चला। जब मैं इस बात की जो विरोध किया उसके बाद वो बोला कि जल्द ही शादी कर लेंगे और अब शादी से नकार रहा है। तो कहीं शिकायत करी आपने? हाँ, शिकायत 29 तारीख को पहला महीना 2024 को महिला थाना में किए थे, जिसके मेरे 7 तारीख को 10 तारीख का जो उपस्थित होने का टाइम दिया था लेकिन 7 तारीख को आकर और महिला थाना के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, गालियाँ दी गई और बोली कि कहीं भी जाओ FIR दर्ज नहीं होगा तुम्हारा। फिर उसके बाद हम डाक द्वारा 9 तारीख दूसरा महीना 2024 को भेजे SP DSP महिला थाना को, लेकिन उसके बारे में हमको 35 दिन तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ। जब इस बात के तक हम SP सर के पास गए, बोले कि हम शादी नहीं रुकवा सकते हैं लेकिन FIR दर्ज करवा देंगे। महिला थाना आए, बोले कि वहाँ हमको बुलाया नहीं गया था, फिर भी जबरदस्ती जबरन बोला जा रहा है कि तुम्हें हम बुलाया था पापा के साथ, लेकिन बुलाया नहीं गया था हमको। फिर 14 तारीख उन लोग उपस्थित हुए और जब उन्होंने लिखित दिया कि हम 18-19 तक किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे और आज उस आवेदन को जब हम FIR किए उस आवेदन को नहीं लगाया गया है, पहला वाला को अब नया से शुरू किया गया है। तो आप मोतिहारी भी गई थी? हाँ, मोतिहारी गए। वहाँ गए तो SP सर से मिलने की बहुत कोशिश किए, कम से कम 4-5 बार उनके आवास पर गए, आवास से SP ऑफिस से आवास कर रहे थे और बार बार लगातार उनसे उनके गार्ड द्वारा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें सर से मिलने दीजिए, लेकिन सर से नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद मैं DIG के कॉल की, मोतिहारी DIG को कॉल की, बोले कि हमको सर से SP सर के आवास पे खड़े हुए हैं लेकिन हमको मिलने नहीं दिया सर से, तो बोले कि ये उनका मामला है, SP सर समझेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम पटना DGP के पास कॉल किए, DGP को बात बताई, बोले कि गाँव कौन से जिला में हो, तो मोतिहारी जिला में, बोले कि आवेदन देकर सर से मिल सकती हो। बोले कि सर हम आवेदन दिए हैं तो उनके द्वारा भी कोई संतुष्टि लग पाते हमें नहीं बताई गई। तो अब क्या चाहती हैं आप? अब चाहते हैं हमें न्याय चाहिए, जैसे भी न्याय चाहिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको धोखा दिया गया है और मेरा FIR लगभग 40 दिन तक नहीं पेंडिंग में रखा गया है। अभी FIR लॉन्च हो गई आपकी? हाँ, अभी कल FIR लॉन्च हुई है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोली कि कार्रवाई कर रहे हैं, न्याय मिलेगा। मेडिकल कराएगी आपका? मेडिकल के लिए हम बोले तो बोले कि मेडिकल अभी होगा तो सदर अस्पताल में होगा, अभी यहाँ पे नहीं अवेलेबल है डॉक्टर। तो मैम से बोले कि मेरी घटना इतना तारीख को हुआ है, तो मैम बोले कि करवाना चाहती है तो करवाओ, नहीं तो तुमको सदर अस्पताल में जाना पड़ेगा। जिससे मेरे 40 दिन पहले मेरा अप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुआ और ज़्यादा देरी हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोली कि लिख दो अपनी मर्जी से नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम लिख दिए। उसके लिए दबाव बनाया गया आपके ऊपर?
नहीं दबा नहीं है, हमको पता था कि अगर हम वहाँ उधर 2 दिन समय लग जाएगा, इन लोग पुलिस प्रशासन के द्वारा और भी कुछ है चाल चल दिया जाएगा, इसीलिए फिर हम बोले कि जैसे भी हो हम बाद में मेडिकल करवा के सबमिट कर देंगे, लेकिन अभी मेरा FIR लॉन्च होना चाहिए। तो जिस तरह से पुलिस पर ये सवाल खड़ी करती है, तो आम तौर पर जो है आप देख सकते हैं पीड़ित जो है लड़का का फोटो हाथ में ली रहती है और वो मीडिया के सामने वो साझा करती है। लेकिन आपको हम बता दें कि पीड़िता ने SP से मिलना चाहिए तो SP ने पीड़िता से नहीं मिल सकी, लेकिन उसके बाद जो है पीड़िता ने DIG को फ़ोन किया, लेकिन DIG भी इस मामले में जो है वो पल्ला झाड़ते नजर आए। उसके बाद पीड़िता ने DGP को भी फ़ोन किया तो DGP द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि आप आवेदन दे सकते हैं, उसके बाद आप पीड़िता से मिल सकते हैं। अब आप देखना ये होगा कि क्या इस पीड़िता को अब यौन शोषण मामले में न्याय मिल पाता है या नहीं। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।